जी हाँ गाइस, आज हमारे पास क्रिकेट के बहुत सारे अपडेट्स, तो जो भी चैनल पर नया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी आज की पहली अपडेट निकल के आ रही है रिकी पोंटिंग के ऊपर, जहां दोस्तों रिकी पोंटिंग ने भविष्यवाणी किया है कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर वास्को ट्रॉफी को 3-1 से जीतेगा। वही दोस्तों रिकी पोंटिंग ने कहा है MS धोनी जिस भी टीम में हो, चाहे वह कप्तान हो या ना हो, वह हमेशा उस टीम के लिए एक मार्गदर्शक और नेता रहेंगी। चाहे वह खेल रहे हो या मैदान के बाहर बैठे हो, वह ऐसा ही है, वह चेन्नई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, ग्लेन मैक्सवेल ने कहा है कि RCB ने मुझे बुलाया और रिटेंशन के बारे में बात की। यह एक खूबसूरत विदाई थी, हमने आधे घंटे तक बात की, मैं इससे खुश था। मैं चाहता हूं कि हर टीम ऐसा करे, इससे रिश्ते बेहतर होंगे। मैं RCB में वापस आना पसंद करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, सुनील गावस्कर ने कहा है विराट कोहली के साथ कोई समस्या नहीं है, वर्तमान में किस्मत ही एकमात्र समस्या है। हमने बेंगलुरु में देखा है कि उन्होंने कैसे बल्लेबाजी की है, उनकी तकनीक और कौशल ठीक है, लेकिन उन्हें अब और किस्मत की जरूरत है। वही दोस्तों सुनील गावस्कर ने आगे कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में खूब रन बनाएंगे। दोस्तों असम के विराट कोहली प्रशंसकों ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित करके विराट कोहली का जन्मदिन मनाया। दोस्तों विराट कोहली के बर्थडे के उपलक्ष पर एक महान फुटबॉलर डेविड वेरहम ने विराट कोहली को शुभकामनाएं दी। दोस्तों विराट कोहली 10 साल में पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष 20 से बाहर हो गए हैं। वही दोस्तों विराट कोहली के बर्थडे के मौके पर उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका और बेटा आकाय के साथ विराट कोहली की एक शानदार बहुत ही बेहतरीन तस्वीर शेयर की है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। वही दोस्तों विराट कोहली के बर्थडे के स्पेशल मोमेंट पर उनके एक विदेशी फैन आइसो स्पिट ने रिएक्ट किया है, उसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। Cricket player, Virat Kohli. Yeah, it's his birthday. Yo, Virat, happy birthday, my boy. You guys a legend or something. Yeah, he's a legend. He's literally like the best cricket player in the whole entire like world. Happy birthday, bro. Happy birthday to my boy Virat. Long life, man. वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक तोहफा। जहां दोस्तों 22 नवंबर से 26 नवंबर तक पहला बॉर्डर वास्को ट्रॉफी का टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, और दोस्तों इसके बीच 24 और 25 नवंबर को IPL का मेगा एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका जो दिन है वो क्रिकेट में से शुरू होगा और IPL नीलामी के साथ समाप्त होगा। दोस्तों आप IPL ऑक्शन को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए। दोस्तों बहुत सारे देश के प्लेयर ने अपना अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों एक एक करके मैं सभी देश के बारे में आपको बताता हूं, जहां दोस्तों दक्षिण अफ्रीका 91, ऑस्ट्रेलिया 76, इंग्लैंड 52, न्यूजीलैंड 39, वेस्ट इंडीज 33, अफगानिस्तान 29, श्रीलंका 29, बांग्लादेश 13, नीदरलैंड 12, संयुक्त राज्य अमेरिका 10, आयरलैंड 9, जिम्बाब्वे 8, कनाडा 4, स्कॉटलैंड 2, UAE 1। और दोस्तों सबसे जो खास बात है इसमें वो ये है कि दोस्तों इस IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में एक प्लेयर इटली से भी है। दोस्तों IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए बहुत सारे भारतीय प्लेयर्स ने अपने आप को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो कौन कौन से वो प्लेयर है आइए जानते हैं। दोस्तों इसमें KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, खलील अहमद, दीपक चहर, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, ईशान किशन, मुकेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन, देवदत्त पाडिकल, कुणाल पांड्या, हर्षद पटेल, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज एवं उमेश यादव। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा प्राइस में बिकेगा, अपना कॉमेंट जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, ओलंपिक संघ ने 2036 ओलंपिक के मेजबानी के लिए आशय पत्र प्रस्तुत किया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी में लगातार 2 शतक जड़े हैं। श्रेयस अय्यर अब अपने फॉर्म में आ चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर को कौन सी IPL टीम अपने टीम में पिक करेगी, कमेंट जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, न्यूजीलैंड के मुख्य कोच ने कहा है मुझे यकीन नहीं है कि हम वाकई में भारत को हरा सकते हैं। मुस्कुराते हुए, जब आप पहला मैच जीतते हैं तो इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है। हम पिछले 2 मैच में भाग्यशाली रहे, हमने टॉस भी जीता। यह 3-0 की अप्रत्याशित जीत थी, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे करती हैं। नेक्स्ट अपडेट है, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ऑर्कर ने कहा है कि ऋषभ पंत बहुत आक्रामक बल्लेबाज है, वह आप पर
पर दबाव डालती हैं, उन्हें गेंदबाजी करना बहुत कठिन है, उनके खिलाफ गेंदबाजी करना एक चुनौती है। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, अभिषेक शर्मा ने कहा है इस मैदान पर 2007 T20 विश्व कप में युवराज सिंह ने 6 छक्के ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और उन्हें गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगा। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, स्टीवन स्मिथ IPL में वापस। जी हां दोस्तों, जहां स्टीवन स्मिथ साल 2024 में कमेंट्री वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन दोस्तों 2025 में 2 करोड़ के आधार मूल्य पर मेगा नीलामी के लिए अपने आप को पंजीकृत किया है। और दोस्तों एक और नेक्स्ट अपडेट है जेमी एंडरसन के बारे में। जहां तो जेमी एंडरसन ने अपना आखिरी T20 मुकाबला साल 2014 में खेला था, लेकिन दोस्तों इस बार IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए के ब्रेस प्राइज में अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है। जो नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों वो थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि इंग्लैंड के धाकर ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक ने अपने आप को IPL मेगा ऑक्शन 2025 के लिए रजिस्टर नहीं किया है। दोस्तों बेन स्टोक के इस फैसले पर आकाश चोपड़ा ने अपना रिएक्ट किया है, उस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। बेन स्टोक्स ने कहा है कि मैं IPL को मिस कर रहा हूँ, मतलब आई गिव इट अ मिस। 2021 में जनाब आप एक मैच खेले थे RR के लिए, 2022 में आप खेले नहीं थे, 2023 में आप CSK के लिए 2 मैच खेले थे और 2024 में आप खेले। तो सर आप कह रहे हैं कि आप यू आर गिविंग इट अ मिस, पर यहाँ आपको कोई मिस कर ही नहीं रहा। आई एक्चुअली फील ऑप्शन में शायद बिकते ही ना, बिकते भी तो भी बेस प्राइस पे $500 million। देख भाई 300 रुपए दूंगा तेरे को, डील। सो इज दैट व्हाई बेन स्टोक्स इज नॉट गोइंग टू बी एट द ऑक्शंस? वही दोस्तों हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है मोहम्मद शमी के ऊपर। जहां दोस्तों मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी की अगले 2 राउंड से भी बाहर हो चुके हैं। आज की लास्ट अपडेट है दोस्तों CSK टीम और MS धोनी के बारे में। जहां दोस्तों सुरेश रैना ने कहा है कि कोई ना कोई CSK की जर्सी पहनने वाला है। आप लोग सुरेश रैना की इस वीडियो क्लिप को भी देख सकते हैं। जिस टाइम धोनी भाई से मिला था वहाँ ऋषभ पंत भी थे, मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, आपको पता चलने वाला है, कोई तो पीला कलर पहनने वाला है। अगर गाइस आपको एक भी अपडेट पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि क्रिकेट के सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे।